हेलो इन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे आपके जियो के सिम में क्वालिटी ट्यून लगा सकते हो जिससे कि अगर कोई भी आपके जियो सिम पे कॉल करता है तो उसे जो है गाना सुनाई देगा तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर सो गाइस तो अगर आपको भी आपके जियो सिम में ट्यून लगानी है ना तो बहुत सिंपल है इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा देखो इसके लिए आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर को ओपन कर देना है प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सर्च कर देना है जियो तो सावन पर आपको क्या करना है बस सर्च कर देना जियो सावन जैसे आप सर्च करोगे जियो सावन तो यहाँ पर आपको ये वाला जियो सावन का ऐप मिल जाएगा तो आपको बस इस जियो सावन के ऐप को डाउनलोड कर देना है और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर देना है तो जैसे आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जैसे आप इसे ऐप को ओपन करोगे तो अभी आपको सबसे पहले तो आपके मोबाइल नंबर को डालने के बाद रजिस्टर कर देना होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंटिन्यू मोबाइल नंबर आपको इस पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है अब जैसे आप आपके मोबाइल नंबर को एंटर करोगे तो आपको सेंड ओ टीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अभी आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिकली यहां पर एंटर हो जाएगा और आप लॉग हो जाओगे जियो सावन के ऐप में तो फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हमारे जो जियो सावन का ऐप है ना वो ओपन हो चुका है तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है देखो अभी अगर आपको आपके जियो सिम में रिंगटोन लगानी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बहुत सारे गाने दिखाई देंगे तो अगर आपको रिंगटोन ऐसे चूज करनी है तो यहाँ तो पर आप ढूंढ सकते हो अगर आपको कोई भी गाना रिंगटोन में लगाना होगा तो वो गाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि ये राम कृष्णा ये है जान ये सॉन्ग्स है सारे तो इनमें से आपको कोई भी क्वालिटी उनमें लगाना होगा तो वो यहां से आप ढूंढ सकते हो एक और तरीका है सॉन्ग ढूंढने का वो क्या है उसके लिए आपको नीचे की तरफ ये सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अभी आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी गाना आपने क्वालिटी उनमें लगाना होगा उसे सर्च कर देना है जैसे कि सपोज यहाँ पर हमें लगाना है राम सिया राम तो हम सर्च कर देते हैं राम सिया राम तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सारे गाने मिल जाएंगे इनमें से आपको जो भी लगाना होगा उस पर आपको क्लिक करना है अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहां पर ये यह गाना प्ले हो जाएगा तो यहां पर आपको एक बार गाना सुन लेना है कैसा गाना है ये आप देख सकते हो अब गाना सुनने के बाद आपको क्या करना है सपोज अगर आपको इसी गाने को अपने क्वालिटी में लगाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला आप देख सकते हो यहां पर आपको राइट साइड में कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हो हमें दिखाई दे रहा है जियो ट्यून तो अभी आपको इनमें क्या करना है देखो अभी आपको सबसे पहले तो गाने के ऑप्शन आएगी कि इनमें से आप कौन सी क्लिप लगाना चाहते हो कि ये गाना तो बहुत बड़ा होगा तो उसमें से कौन सी क्लिप जो है वो आपके क्वालिटी में बजेगी वो आपको यहाँ पर सेट कर देना है और उसके लिए भी आप प्ले करके देख सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको है ना सबसे पहले तो गाना प्ले करके देख लेना है उनमें से सपोज यहाँ पर मुझे ये वाली जो क्लिप है गाने की वो पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है बस आपको ये जो सेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना आपको इस सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जैसे आप सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सिम में क्वालिटी ट्यून लग चुकी है तो फाइनली ये वाला जो गाना है ना ये हमारे क्वालिटी ट्यून में लग चुका है तो एक बार कमेंट में लिख देना जय श्री राम तो अभी आप देख सकते हो अब जैसे ही मैं अपने दूसरे फोन से अपने वाले फोन में कॉल लगाता हूं तो यहां पर हमें कॉलर ट्यून सुनाई देगी